रहते हैं, आके रहते हैं, ज्यादा चमकते हैं। स्टोरी एक हाथ गाड़ी वाले की है और कहानी की सबसे खास बात ये है कि वो एकदम मतलब डाउन टू अर्थ लोअर लेवल के समाज के सोसाइटी के सबसे ले मैन से ले करके एकदम हाई प्रोफाइल तक चली जाती है, मतलब सबको जोड़ देती है कि कहानी चौल में भी शुरू होती है और कहानी कॉरपोरेट में भी जाती है और कहानी डिस्कोथेक में भी जाती है, कहानी ब्राउन शुगर तक जाती है, स्मैक तक जाती है, ड्रग तक जाती है और कहानी एक ऐसे घर में पहुंचती है जो जूता सिल रहा होता है। तो कहानी का डिफरेंट डिफरेंट लेयर है और कलर यूं 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 बदल जाता है। तो ये है कहानी। सर वो समय थी जब मैं मिलने गई, मुझे ऑलरेडी पता था इन्होंने मांझी लिखी हुई है और वो बेहतरीन फिल्म है, इट्स सच अ गुड फिल्म, आई एंजॉयड वॉचिंग इट। सो मुझे पता था कि मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ उन्होंने जो नेक्स्ट लिखी होगी वो भी उतनी अच्छी होगी। सो आई थिंक दैट वॉज द मेन रीज़न। कहानी आजकल कॉन्टेंट इज़ द हीरो। आजकल की जो ऑडियंस है वो डिफरेंट कंटेंट देखना पसंद करती है, रियलिस्टिक फिल्में या कह सकते हैं आप देखना पसंद करती हैं, एंड जो भी कैरेक्टर्स हैं दे हैव शेड्स इन देम, एंड रोमा का जो कैरेक्टर है स्पेशली, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू फाइंड सच कैरेक्टर्स जो इतना मीटी रोल हो, कितना कुछ करने मिले यू नो उन्हें। सो आई थिंक आई गॉट टू डू दैट। रोमा फंसी हुई है सैम और बंधन के बीच में, सैम जो लिव इन बॉयफ्रेंड है उसका जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है, बंधन कबाड़ी वाला है और दोनों के बीच में पैसा प्यार सो मच कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि प्यार और पैसा, पैसा और प्यार, पैसे के लिए प्यार, प्यार के लिए पैसा, प्यार के लिए पैसा, मतलब प्यार चाहिए तो प्यार को पाने के लिए भी पैसा चाहिए और पैसे के लिए भी प्यार चाहिए, तो हर तरफ से। और वो उसमें जूझती हुई तो इनके लिए तो बहुत चैलेंज था और मुझे लगता है कि इसने चैलेंज को फुलफिल किया है अपने अंदाज में किया है और बहुत बढ़िया से किया हुआ है। ये दोनों विवान के साथ भी कोऑर्डिनेशन को एकदम बैलेंस और अभिषेक के साथ भी बैलेंस, और चूंकि जो ये दोनों जो हैं वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी, तो उसमें विवान जो है उसके एक्टिंग का अंदाज जो है बहुत अच्छा है, मतलब वो एक एकदम मतलब यू जो फुटबॉलर की तरह ये गया और कट मार दिया तो वो वाला स्टाइल है इसका। और अभिषेक का है कि ये ऑन द पॉइंट, मतलब अभी रिहर्सल उसके बाद अचानक से कुछ कर देगा, कुछ करके कर फिर बैक हो जाएगा, मतलब कैसा है ना कि वो चला एक थप्पड़ मार दिया और फिर ऐसे हो गया साइड में आ गया, तो उसमें ये जूझ रही थी, इसके रियल लाइफ में भी वो एक्टिंग के समय भी जूझ रही थी और हाँ बिल्कुल डिफरेंट थे दोनों, दोनों के साथ काम करना, दोनों का कैरेक्टर इतना डिफरेंट था। आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई आई चूज दिस फिल्म। आई थिंक चूज़ करना भी आई डोंट थिंक इज द राइट वर्ड, मैं बहुत ही आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव बीन ऑफर्ड दिस फिल्म, सो थैंक यू सर फॉर डूइंग दैट। और And it's the biggest challenge in Dowdy is actually क्या हो गया है कि casting has become such कि अगर आप एक तरह के हो तो आपको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं कि दूसरा तरह का रोल करने के लिए, क्योंकि अगर किसी को बिहारी के ऊपर फिल्म बनाना है तो आप किसी और को लेंगे, बिहारी को ही लेंगे जैसे, और पहले इतना ऐसा नहीं होता था। और ये एक्चुअली बहुत ही ब्रेव डायरेक्टर हैं कि हमने आपको मौका दिया कि ऐसा टाइप का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वर्कशॉप तो नहीं थी, बट वर्क मतलब वर्कशॉप, देखो वर्कशॉप तो कंटिन्यूस होता है, जब हम काम पे भी होते हैं, शूट पे भी होते हैं, शूट के बीच में आप क्या करते हो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो जाके प्रिपरेशन और फिर जो रियाज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो ज़िंदगी को जीना और समझना और उसमें डूब जाना, जैसे हाथ घड़ी को कभी ना छोड़ना या अपने कमरे में जाके बैठना थोड़ी देर के लिए जहाँ पे जो कैरेक्टर का कमरा है, अगर आप उस स्पेस को इनहैबिट करोगे तो
तो आप बहुत पास करीब आते हो उस कैरेक्टर के दिल के पास। सर के साथ डेफिनेटली काम करने में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। सर क्या कहते हैं ना, एक को कभी चढ़ा देते हैं, दूसरे को उसके सामने डरा देंगे। कभी मुझे बोलेंगे अभिषेक ने बहुत अच्छा काम किया, विवान ने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा फिर अभिषेक को कुछ और बोल देंगे। तो हम दोनों, वो हमारे साथ इतना प्ले किया है सर ने, बट आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड। बहुत सारे हिस्से 60% पार्ट जो है वो बिल्कुल एकदम रियल लोकेशन पे है, और उसमें से कुछ पार्ट ऐसा जो गोरिल्ला की तरह एकदम ऑन फ्लोर, मतलब रियल लाइफ में। तो उसमें होता ये था बार बार कि विवान का एक तो इसने ऐसा गेटअप कर लिया था कि गिव मी 1500 मोर, वन मंथ। एक बार जब एकदम से आया तो बाल वाल इसके एकदम ऐसे चेंज, अभी अभी हमने बाल दो तीन दिन पहले बाल का ग्रेटअप कट किया है इसने तो, और हाथ गाड़ी लेकर के निकला है, कैमरा लगाया हुआ है और सामने से आदमी आ गया, कबार फिरता है क्या अब ये देखा है हाँ खरीदता है ना तो आजा किधर जाने का भाई तो, अब और ये घटना है हर किसी दो दिन के तीन दिन में हो जाए। और बोला यार अब हम कट नहीं करेंगे कैमरा, तुम इम्प्रोवाइज करके मैनेज कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। मतलब बोले ये कि रियल में भी ऐसा रियल हो जाना कि पब्लिक सामने से गुजर रही है और उसको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ शूटिंग चल रही है। नहीं वो एक्चुअली वो तरीके से बॉम्बे सबसे बेहतर शहर है ऐसे टाइप का गिरगा शूट करने के लिए। अगर आप यूपी बिहार में कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। थोड़ी सी बॉम्बे में लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, खास करके जो जहाँ पे भी लोकेशन में जोगेश्वरी में हमने शूट किया, जो ऑन लोकर्स आते थे 2 मिनट के लिए देखते थे और फिर निकल जाते थे। यूज्ड टू है ना, यूज्ड टू है, यूज्ड टू। तो अगर आप उधर बिहार और यूपी में करोगे मरीन ड्राइव भर पड़े रहेंगे, मरीन ड्राइव आपको लेके चले जाएंगे, टिके रहेंगे दिन भर, टिके रहेंगे। जैसे अभी फिल्म की थी बिहार में, दिन भर टिके रहते थे लोग, हिलते नहीं थे, शूट देखने के लिए आते थे। हां दे विल स्टैंड देयर स्टैंड एंटायर डे दिन भर। हां वहां पे जब शूट कर रहा था सीएसटी पे, मरीन ड्राइव पे, तो मैंने देखा कि विवान अपना चला जा रहा है, एक्शन बोला हुआ करेक्टर में है, और पीछे दो छोटे छोटे बच्चे विवान के बाद हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, दोनों को ना ऐसे करते ऐसे दोनों बच्चे लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, पता है कि शूटिंग हो रही है और एक्टिंग वो में है। तो लोगों ने आप सोचो कि मरीन ड्राइव या गिरगांव चौपाटी ये सब जगह कितना बिजी है और इतना मुश्किल काम है कि आप वहाँ पर शूट कर सको। तो जोगेश्वरी में जब हम कर रहे थे वो चौल में, अच्छा डिफिकल्ट लोकेशन, बहुत अलग लोकेशन थी, किसी के घर में बैठ के शूट कर रहे हो आप। सर आप कह रहे थे ना कि एक बार जब आप ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो आपने बहुत समय बिताया चौपाटी में लोगों का आवाज़ सुनने, मतलब डायलेक्ट समझना। वो जब हम लोग इसको शुरू कर रहे थे तो कंटिन्यू मतलब लग रहा था कि यार एक ऐसे चौल एरिया को ढूंढा जाए जहाँ पे नेहरू नगर में, नेहरू नगर जो कि हमने अपनी फिल्म में इस्तेमाल भी किया है, हमने वहाँ पे तो नेहरू नगर में कंटिन्यू चौल एरिया में जो हाथ गाड़ी वालों का एक बहुत बड़ा बस्ती। अच्छा हाथ गाड़ी वालों का बस्ती है, बस्ती है पूरी। अब तो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, वो डिमोलिश हो गया, तो वहाँ हम जाकर तो उनसे मिलते, उनको देखते, उनको समझते, उनके साथ जीने की कोशिश करते। वो अब मैंने बेमान को बताया कि देखो ऐसे ऐसे कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, पता नहीं है। अच्छा ऊपर से एक और चीज़ क्या हो जाता है कि किसी दिन उनको बहुत ज़्यादा सामान मिल जाता है, अब वो ले करके आ जाते हैं शाम को, रात को लेके आते हैं, अब बेचे कहाँ। वो तो दुकान तो जैसे बंद हो गई, वो धनीराम की दुकान है, तो धनीराम की दुकान तो शाम को बंद हो गई है, तो क्या करें। तो घर के बाहर ही उसको रखते हैं, उसमें भी बस्ती में कुछ ऐसे हैं कि रात में उनके सामान चोरी हो जाते हैं, पैसा लगा करके खरीद के लाए, मान लो एक सड़ी हुई टीवी खरीद के लाए तो 100-150 रुपये तो दिया होगा, अब कोई लेकर के बेवड़ा टाइप का आदमी बेच दिया और पी गया उसका सामान, सुबह में उठा देखा उसकी पूरी गाड़ी खाली है। तो अब मान लो कि आपके पास 200-500 रुपये है, वो भी
कहाँ जाए। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे एक तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जो रोल था बहुत चैलेंजिंग था, एंड किसी भी एक्टर के लिए इस तरीके का रोल करना इट्स लाइक अ वी लुक फॉर सच रोल्स एंड वी रियली वांट टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ एंड एवरीबडी वांट्स टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। दीज काइंड ऑफ फिल्म्स गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन ट्राई डिफरेंट एंड दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड द बॉन्ड विद द सर विद जोया एंड विद विवान वॉज फैबुलस। वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पहले दिन से ही कनेक्ट कर रहे थे, तो वी वर फ्रेंड्स। क्या होता है जब आपकी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन अच्छी होती है तो वो ऑन स्क्रीन भी अच्छी लगती है, एंड दैट वर्क वेल, क्योंकि आपको जानना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है सो दैट कि पता चले कि वो कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, सो दैट वी कैन चैनलाइज दैट। तो फॉर मी द होल एक्सपीरियंस वाज फैबुलस। मैं तो पूरी फिल्म में मैं यही बोलता है भाई, मैं सैम नहीं हूँ मैं सैम नहीं हूँ, मुझे सैम मत मानो, सैम बहुत अलग बंदा है, आई एम नॉट द सैम, आई एम टोटली ऑपोजिट टू सैम। तो मैं थ्रू आउट यही बोलता है लाइक जोया वाज जूझ रहे नहीं, बिकॉज द थिंग इज सैम इज ए डेविल इन डिसगाइज, इज ब्लैक, मतलब ही इज मनी माइंडेड, इज मैनिपुलेटिव, ही इज डोमिनेंट एंड ही थिंक्स अबाउट मनी ओनली, ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली, फॉर हिम ही डजंट केयर अबाउट एनीबडी, but I'm not the person like that, he's a drug addict, I'm not the one, and मैंने कोशिश करी तो मैं कोशिश करी तो पीपल वर लाइक कि ये तो करता है, तो प्रो है, द वैनिटी है वो, सिगरेट में तो सिगरेट पीता है, आई नो इट, मैंने कभी पी नहीं सिगरेट है, बट ही सेज ही डजंट, सो तो वो अच्छा, वो क्या हुआ क्लब में अलाउड नहीं था इसलिए मैंने स्मोक नहीं किया, तो मैं यूज रहा था, बट मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि लोगों को लग रहा है कि जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो मैं हूँ, तो मतलब मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को। लाइक हमारे बालाजी जो एडिटर हैं उन्होंने उनको भी कह रहे आप वैसे ही हो, मैंने कहा वैसा नहीं हूँ आई एम नॉट द सेम, तो दिस वाज द थिंग जो थ्रू आउट रहा। इंस्पायरिंग कहानी थी, जब सुना तो बहुत ही मतलब इमोशनल हो गया, कि ये बहुत ही टचिंग कहानी है, ये बहुत आई थिंक जैसे सर ने कहा कि जो पैसे की जो असर होता है लोगों की, जो स्ट्रगल होता है लोगों के लाइफ में, वो कहानी का थीम वो है। और बेसिकली आई थिंक जो भी अगर ड्रामा को देखा जाए, या तो थिएटर है या लिटरेचर है या फिल्म है, आई थिंक ड्रामा या कॉन्फ्लिक्ट का सबसे पुराना कारण ये रहा है पैसा, वो आई थिंक हर ड्रामा का आई थिंक कहीं ना कहीं एक बीज है ना, तो वो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसकी वजह से ड्रामा होता है, उसकी वजह से लोगों के मोटिवेशन होते हैं, तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत ड्रामा होता है। पैसा नहीं है तो आदमी डेड बॉडी है। सबसे अच्छी बात क्या ना कि आज भी युद्ध का जो ड्रीम देखने का, ड्रीम तो पहले भी देखते थे हमारे 70-80 के दशक में भी, जो 90 के दशक में ड्रीम वाली फिल्में बनती थी पैसे को लेकर के, ड्रीम तो उसमें एक, लेकिन आज का जो ड्रीम है वो कैसा है, स्क्रीन पे युद्ध युद्ध, और स्क्रीन पे सिनेमा के अंदर युद्ध और उस कैरेक्टर का ड्रीम, और ऑडियंस वही ऑडियंस सेम युद्ध, दोनों 22 साल का युवा विवान और सामने भी 22 साल का एक विवान जैसा लड़का, और दोनों का एक थ्रेड लाइन में आकर के जुड़ गया सारी चीजें, और ड्रीम को इतना पैरेलल कर दिया कि वो ऑडियंस बैठा हुआ बोला यार नहीं तो वो ये कैरेक्टर और तो कोई है ही नहीं, और वो पूरी फिल्म इस वो में देख रहा है कि यार, और एक हैंगओवर नहीं बल्कि उसके ब्रेन में एक गठरी सी हो गई यार, ये सारा नशे की तरह शराब की तरह उसके अंदर चली गई वो कहानी का प्रेम, सिर्फ पैसा या
पैसे को लेकर का ड्रामा जो इवान ने बताया, और ड्रामा के बाद जो क्लाइमेक्स है वो उन सब के नीचे एक ड्रीम लेयर में गरीब का ड्रीम, अमीर का ड्रीम, ड्रगिस्ट का ड्रीम, नीचे वाले का ड्रीम, कॉर्पोरेट सेक्टर का ड्रीम, वो ड्रीम जो है वो चलता है। जैसे अभिषेक ने बताया कि क्या बॉन्डिंग आप लोग तीनों शेयर करते हो, बट आपसे जानना चाहेंगे अगर कोई सीन के दौरान कोई एक फनी सीक्रेट इन दोनों के बारे में बतानी हो तो वो क्या होगा? फनी सीक्रेट बता दो। कुछ फनी है तो बताओ। फनी सीक्रेट तो ऐसा बताओ, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई ऐसा क्या है। फनी सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आई थिंक वी हैव बीन वेरी, एक एक्टर के लिए ना ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज पीपल, बिकॉज अगर आप अपने आप को बंद कर दोगे देन द अदर पर्सन कांट रिएक्ट टू यू। सो आई थिंक हम सब ने अपने आप को बहुत ही खोल दिया था, एक बहुत ही यू नो बीन वेरी बहुत जरूरी है वल्नरेबल स्टेट में, या यू नो सारे सीन्स भी बहुत इंटेंस थे, सो उसके लिए आई थिंक यू नीड दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग। दोस्ती यारी का बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफर्टेबल नहीं होगे तो आप सीन नहीं कर सकते। स्पेशली विद सैम ही वाज प्लेइंग माय लिव इन बॉयफ्रेंड, विद बंधन, विद रिवान, वो किस तरह से यू नो फंसती जा रही है इन दोनों के बीच में, उसका क्या क्लोज होती जा रही है बंधन से, सो आई थिंक इट वॉज वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग इन रोमाज हेड, सो वो प्ले करना ईजी हो गया बिकॉज इन लोगों ने मुझे वो यू नो वो रिएक्शन इतना ट्रू दिया, इतना ट्रू था कि यू हैव टू रिएक्ट इट इन दैट वे, सो उस हिसाब से इट वॉज गुड। बट फन तो हमने बहुत किया, बहुत मस्ती की, हांग लगा दी थी हमने सेट पे, हम सिर्फ आई मीन आफ्टर सीन्स वी यूज्ड टू चिल बिकॉज सीन्स काफी इंटेंस होते थे, सो एक ब्रीदर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैंक्स भी किए काफी सारे, स्पेशली एक चीज है आई थिंक विद दीवान, आई थिंक ही हैड लाइक दिस बॉडी पेंट एंड ऑल ऑफ दैट व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, मतलब करना एंड देन यूज्ड टू ड्राई ऑफ, सो हिज बॉडी पेंट यूज्ड टू कम ओवर मी, सो बहुत वो डिफिकल्ट हो जाता था हमारे लिए सीन करना, क्योंकि आई मतलब एंड उनका अगर बॉडी पेंट निकल जाए तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट टेक्स आवर्स टू डू, सो इट वाज दैट वे वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू, सो बट इट वाज फन, डीप फन। यही सबसे अच्छी बात होती थी कि इनमें से कोई भी स्ट्रेस में आकर के काम नहीं कर, हम हमारी पूरी यूनिट थी, उनका मिशन था डीओपी से लेकर के सारे लोगों का कि हमको एक टाइम जोन में फिल्म को पूरी करनी है, पर कोई ऐसा नहीं था कि हाई स्ट्रेस में काम कर रहा हो, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं 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 एकदम या पूरा एक भगदड़ समझ में, ऐसा नहीं है, सब सब खुल रहो काम करना है, पर तो इनके लिए बॉन्डिंग, इनके लिए जो एक जो स्पेस शेयर करते हैं तो सब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आई थिंक जब आप देखेंगे मूवी तब आपको आई थिंक समझ आएगा जो हम कह रहे हैं, जो इतना ईजिली जो केमिस्ट्री आई है वो इट्स बिकॉज ऑफ वी हैड अ ग्रेट बॉन्डिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद डायरेक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक फिल्म का नहीं ये नहीं दिखाई है अभी तक, लेकिन बहुत वेटिंग टू शो इट टू हिम, आई थिंक ही रियली लाइक इट। लेकिन जब आपने डिस्कस किया था लाइक मैंने बहुत द ऑफर ऑफ कबाड़ी द पॉइंट, तो आपने डिस्कशन किया था नसरुद्दीन सर से, व्हाट वाज? बिल्कुल बहुत मैंने किया इस थिंग, मैंने पूछा उनसे काफ़ी सलाह ली, उनने मेरे को बताया सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ बताया कि जो बॉडी लैंग्वेज होता है कबाड़ी वाला का, जो अंदाज़ होता है, जो चाल होती है, जिस तरीके से बात करते हैं, वो जो आवाज़ें निकालते हैं, वो सब चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभार तो वो तो क्योंकि जैसे हमारे घर के बाहर से जो गुजरता है कबाड़ी वाला, तो उन्होंने मेरे को बोला कि उसको जाके सुनो, उसकी कहानी समझो, उसका क्या है, उसकी ज़िंदगी कैसी है। और इनफैक्ट मैंने केतन जी को भी बताया था कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, वो भी बहुत खुश हो गए। वो तो सर जानते हैं, अभी तो फिल्म हमने पूरी की और पोस्ट प्रोडक्शन में है, ये है कि ये युद्ध सिर्फ युद्ध की नहीं, बड़े बूढ़ों बच्चों की फिल्म है, इसमें कोई एडल्ट कंटेंट नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन फिल्म है, फैमिली के साथ देखी जा सकती है और एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस फिल्म है। मुझे उम्मीद है, मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि ये फिल्म हर उस वर्ग को, चाहे वो मुंबई का हो या फिर बिहार का हो या यूपी का हो,
नीचे किसी गांव का हो या फिर एकदम कोलाबा में रहने वाला, सबको सबको मज़ा आएगा। आई थिंक सारे ऑडियंसेस के लिए कुछ ना कुछ तो है, यू नो, जो कमर्शियल ऑडियंसेस हैं उनके लिए मसाला है, खूब एक्शन है, रोमांस है, जो रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सोशल कमेंट्री है, तो सबके लिए काफ़ी आई थिंक ऑल टाइप्स के ऑडियंसेस को ये फिल्म अपील करेगी ज़रूर। ये है कि कमर्शलाइजेशन के साथ कमर्शियल फिल्म तो बनाना ही था, पर हम जो एक एग्जिस्टेंस की जो थ्योरी होती है अस्तित्ववाद, मैं रहूँगा बाकी लोग का क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए बाकी लोगों का क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे प्यार चाहिए बाकी लोगों का क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे ये घर चाहिए बाकी बाढ़ में जाए उससे तो लेना देना नहीं, तो वो जो थ्योरी है ना वो आप उसी से लोग बाद में मिलेगा। See you, Lua.